ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि तुलसीदास जी ने हनुमान बाहु की रचना क्यों की। देखिए, हनुमान बाहु एक मंत्रात्मक काव्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान बाहु लोकप्रिय लोक प्रसिद्ध काव्य रचना है। ये एक मंत्रात्मक सूत्र है जो आकार में छोटा होने पर भी मनन करने पर विपुल फल प्रदान करता है। हनुमान बाहु का पाठ वात पीड़ा दूर करने में रामबाण औषधि की तरह काम करता है। तुलसीदास जी ने हनुमान बाहु के रूप में हनुमान जी के दरबार में अपनी प्रार्थना पत्र एक तरह से अर्पित किया था, क्योंकि तुलसीदास जी को भी वात पीड़ा हो रही थी तो उन्होंने अर्जी लगाई थी। तुलसीदास जी ने जिस प्रकार विनय पत्रिका के रूप में अपनी अर्जी श्री राम के दरबार में लगाई, उसी प्रकार हनुमान बाहु के रूप में उन्होंने समस्त कष्ट निवारण के लिए अपनी प्रार्थना पत्र अपने आराध्य हनुमान जी तथा उनके भी आराध्य श्री राम जी को अर्पित किया। असहनीय कष्ट से मुक्ति के लिए हनुमान जी को उन्होंने अर्जी लगाई और उस मुक्ति के लिए तुलसीदास जी ने छंद में बद्ध कर हनुमान जी की वंदना के कुल 44 पद रचे, जो हनुमान बाहु के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह हनुमान बाहु की रचना हुई। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दे दीजिए। धन्यवाद।